आदमी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के विभागीय द्वारा दावे तो किए जाते हैं, लेकिन विकास खंड इंदौरा की पंचायत वलीर के गांव समून में यह दावे खोखले दिखाई देते हैं। आलम यह है कि उक्त पंचायत में करीब 6 गुजर परिवार खड्ड के किनारे एक गड्ढे नुमे जल स्रोत का पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते विभाग के अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं शीघ्र ही उक्त परिवार को विभाग की ओर से पेयजल उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। से थोड़ी दूर पीछे कनेक्शन कट कर दिया गया, वहाँ कट इसलिए कर दिया गया कि लोगों के खेतों में नल लगा दिए गए, हमारे घरों को जहाँ हमारे 5 घर हैं, इनको कोई पानी का कोई सुविधा नहीं निकला, तो हम यही पानी पीते हैं, इसी पे हमें नहाना है, यही पीना है, यही हमारे पशु। और जो बाकी आपके गांव के जो लोग हैं वो अभी काम कुम पे गए होंगे अभी, आपके बाकी घर के अभी झाड़ी धूड़ी लगाने गए हैं, ठीक है, वो आगे पीछे हैं, अभी इस समय है नहीं पूरे परिवार घर पे, तो चलो वो तो कोई बात नहीं, क्या करना है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, ठीक है, प्रशासन तो कुछ देगा नहीं, लेकिन पानी की सुविधा तो होनी चाहिए ना। मेन देखो जी पानी है, जहाँ हमारी गवर्नमेंट दूर बड़ी बड़ी बातें करती है कि हर घर पानी, हर घर बिजली, हर घर रास्ता, सर यहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, अगर अगर फिर पीने को मिलता ही नहीं, फिर कहाँ पियेंगे, फिर तो ये गंदा पानी सारा इधर नदी बगती है, लाल पानी रहता है। अगर अगर अभी देखिए जी, ये जो लोग हैं इनका ये कहना है कि ये इस पानी को पीने को मजबूर हैं, बगती है, लाल पानी रहता है। अगर अगर अभी देखिए जी, ये जो लोग हैं इनका ये कहना है कि ये इस पानी को पीने को मजबूर हैं, और ये प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनके घर तक नलकूप लगाया जाए, जहाँ इनको पानी की सप्लाई, स्वच्छ पानी की सप्लाई दी जाए, जो कि सरकार का जो इनका हक है वो इनको दिया जाए, और ये देख सकते हैं वो आप, ये पानी पीने को मजबूर हैं, और उन्होंने मुझे बोला है कि ये जहाँ पानी पीते हैं इस खड्डे से पानी पीते हैं, ये प्राकृतिक खड्डा है, और जहाँ से पानी पीने को मजबूर हैं। अंकल जी कब तक है इस बात को, आपने कब तक, कितने टाइम हो गया कि आप जहाँ से ही पानी पी रहे हो? 35-40 साल की यहाँ पी रहे हैं, जबकि यहाँ आए तो यहाँ पी रहे हैं खड्डे में, यहीं पे 35-40 साल से यही पानी चल रहा है हमारे मतलब परिवार में। और दूसरी बात यह है कि देखो, प्रशासन ने पहले कुछ काम किया था वो लोगों के खेतों में नल लगाने का, ठीक है, जहाँ घर थे वहां तक कुछ नहीं पहुंचा, ठीक है, वहीं पे ब्लॉक कर दिया गया, वहीं से रोके, वहीं दारू दुरू पी के जो भी हमारा स्टाफ मेंबर था इधर सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, वहीं पे ब्लॉक कर दिया गया, वहीं से रोके, वहीं दारू दुरू पी के जो भी हमारा स्टाफ मेंबर था इधर सरकारी मुलाजिम है सब चले गए, कोई उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। 2015 में मैंने फाइल तैयार करवाई, जेई ने साइन नहीं किए, और इधर का जो हमारा इंचार्ज था उसने सर्वे नहीं दिया, वो फाइल मेरे घर पे पड़ी है। अगर किसी के पास जाए, यार आपको कुआं लगवा देते हैं, आपको यहाँ बोर करवा देते हैं, सब कहने की बातें हैं, या देता कुछ नहीं है प्रशासन, ठीक है, हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि प्लीज हमारी इधर की जो हमारी ये समस्या प्लीज हल की जाए, ना हमें यहाँ रास्ता है और ना ही पानी है, दोनों चीजों की मेन प्रॉब्लम है। तीसरी मैं लाइन की आपको बताई है, जो कि हमें देसी जुगाड़ करके जो है हम काम बिता रहे हैं, लाइट का भी, ठीक है, मेन प्रॉब्लम पानी और रास्ता सर। माता जी काफी प्रॉब्लम आती होगी आपको भी, तो है ये, फिर क्या करना है, और जब जहाँ बारिश का पानी ज्यादा होता है फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही पानी नहीं, जैसे पानी आज बारिश होगी ना तो 2 दिन हमें वेट करना पड़ेगा कि पानी साफ होता है तो हम फिर पियेंगे, ठीक है, जब बरसात आज बारिश हो जाएगी ना तो कम से कम 2 दिन या 3 दिन के लिए पानी खत्म है, अगर हमने भर के रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो वेट करना पड़ेगा इसका कि इसे हम साफ होगा ये फिर भरेंगे फिर पियेंगे इसको। तो क्या आज आज मतलब क्या चाहते हो कि क्या क्या किया जाए, सरकार आपकी क्या मदद करे आपकी मदद सरकार से, हमें मेरी प्रशासन से यही उम्मीद है कि प्लीज हमारे जो पानी का ये हल है मेन जो किया जाए, हमारे 5-6 घर है ये, हम इस पानी पीने को मजबूर हैं, आज इतनी मॉडर्न जमाने में हमारा ये हाल है तो क्या बनेगा। एन स्टार न्यूज के लिए कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।